हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि मोटो E13 फ़ोन में आप लोग 4G नेटवर्क कैसे लेस ला सकते हो। अगर आपके पास एक मोटो E13 फ़ोन है और इस फ़ोन में आप लोगों को 4G नेटवर्क लाना है, क्योंकि आपके फ़ोन में जो यहाँ पर से आप लोगों ने डाटा को ऑन किया है, लेकिन यहाँ पर जो है नेटवर्क जो है, मतलब जो डाटा है वो 2G और 3G ही शो हो रहा है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही स्लो चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ई दिखा रहा है आप लोग देख सकते हो, मतलब 2G यहाँ पर चल रहा है, 3G भी बीच में आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 4G नहीं आ रहा है। तो कैसे आप लोग अपने फ़ोन में जो इस 4G नेटवर्क को ला सकते हो, तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगा गाइस आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 4G नेटवर्क को लाने के लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस, नेटवर्क एंड इंटरनेट का। तो इस नेटवर्क एंड इंटरनेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं मेरे फ़ोन में एक ही सिम है, तो यहाँ पर सिम सिर्फ एक ही शो हो रहा है। अगर आपके फ़ोन में दो सिम होंगे तो यहाँ पर दो सिम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जिस भी सिम में आप लोगों को 4G नेटवर्क को लाना है, उस सिम में कुछ इस तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, और यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन होगा प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप का। तो इस प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते आप लोग देख सकते हो 3G और 2G में ये सेट है। तो आप लोगों को इसको जो इस 4G में सेट करना है, 4G पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर दिए देख सकते हैं नेटवर्क यहाँ पर से चला गया है। अभी आप लोग देख पाएंगे मेरे फ़ोन में जो है 4G नेटवर्क आ गया है, यहाँ पर LTE शो हो गया है। ठीक है गाइस, अभी आप लोग देख पाएंगे मेरा जो नेटवर्क है वो कितना फास्ट चल रहा है। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने मोटो E13 फ़ोन में 4G नेटवर्क को ला सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।